हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे कि बायोडायवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और वहाँ पे कि बायोडायवर्सिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए हम उनको कंजर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करते हैं। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने मेंशन किया था अपने दो आर्टिकल्स में, पहला द एनवायरमेंटलिस्ट और दूसरा हॉटस्पॉट अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स के फॉर्म में। इनके दो आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे, जिसमें इन्होंने किसी भी स्पीसीज़ के थ्रेटन्ड होने के पर्टिकुलर एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के फॉर्म में रिजेंबल किया था। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जहाँ पे कि जैव विविधता को बहुत ज़्यादा खतरा होगा, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मेंशन करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज जो हैं वो होते हैं अगर हमें किसी एरिया को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करना है। तो दो क्राइटेरियाज जो हैं इसके बेसिकली हैं, एक कि पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें हॉटस्पॉट बनाना है तो वहाँ की 0.5% जो स्पीसीज हैं वैस्कुलर प्लांट्स की, वो एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक मतलब एक स्पीसीज जो उसी क्षेत्र में पाई जाए, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती हो, तो उस स्पीसीज को हम एंडेमिक कह रहे हैं। वहीं दूसरा जो क्राइटेरिया है वो हॉटस्पॉट बनाने का, वो है कि पर्टिकुलर एरिया का जो प्राइमरी वेजिटेशन है वो लगभग 70% नष्ट हो चुका हो, लॉस्ट हो चुका हो। तो अगर वो लॉस्ट हो गया है तो हमें अब जो बची हुई रिमेनिंग वेजिटेशन है उसे कंजर्व करने के लिए एक एरिया को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो नियर अबाउट 36 एरियाज जो हैं वो हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखें तो हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पे कि 60% वर्ल्ड के प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं उनकी स्पीसीज जो है सबसे ज़्यादा एंडेमिक कंडीशन में, यानी कि उसी जगह की स्पीसीज जो है होती हैं, और उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे खतरा भी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉटस्पॉट में हम जैसे एक पर्टिकुलर हॉटस्पॉट की बात करें तो यहाँ पे लगभग हम 15,000 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि लगभग अपने 95% संख्या में लॉस्ट हो चुकी हैं। तो ये जो है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हम इनको कंजर्व करते हैं, इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। करंट स्टेटस की बात करें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो 36 हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं वो अर्थ का टोटल एरिया में से 15.7% एरिया ये 36 हॉटस्पॉट कवर करते हैं। और ये जो हॉटस्पॉट हैं इनमें 86% हैबिटेट जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए हम इन एरियाज को अब हॉटस्पॉट मेंशन करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट स्पीसीज़ की, तो वर्ल्ड की हाफ स्पीसीज जो हैं प्लांट की, यानी कि 50% प्लांट स्पीसीज़ और 43% बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन स्पीसीज जो हैं इन हॉट स्पॉट में एंडेमिक घोषित की गई हैं। वहीं 1.5 लाख तक प्लांट स्पीसीज जो कि एंडेमिक होती हैं उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उनको ये हॉटस्पॉट कंजर्व करते हैं। और लगभग 11,980 जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज हैं उनको भी एंडेमिक कंडीशन में ये हॉटस्पॉट कंजर्व करते हैं। वर्ल्ड के मैप में जो हम ग्रीन कलर के एरियाज देख रहे हैं, तो इनिशियली नॉर्मन मायर के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के फॉर्म में ये एरियाज डेवलप हुए थे, और बाद में जो ये ब्लू कलर के एरियाज दिख रहे हैं इनको बाद में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के फॉर्म में एड ऑन किया गया। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर हम रीजन वाइज हॉटस्पॉट का, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो रीजन नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में जो हॉटस्पॉट हैं वो हैं कैलिफोर्निक फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मैड्रिन पाइन ओक वुडलैंड्स, मीजो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन, और कैरिबियन में जो हॉटस्पॉट हैं वो है कैरिबियन आइलैंड्स। साउथ अमेरिका में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो हैं अटलांटिक फॉरेस्ट, सेराडो, चिलियन विंटर रेनफॉल, वेल्डिवियन फॉरेस्ट, टम्बीज, कोको, मैगडलेना और ट्रॉपिकल एंडीज।
वहीं यूरोप का जो रीजन है उसमें हॉटस्पॉट है मेडिटेरेनियन बेसिन। अफ्रीका का जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वो है केप फ्लोरिस्टिक रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न एफ्रोमॉन्टेन, गीनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड द इंडियन ओशन आइलैंड्स, मपूटालैंड, पोंडोलैंड अल्बानी एंड सक्यूलेंट कारू, ये अफ्रीका के हॉटस्पॉट्स हैं। साउथ एशिया का हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, इंडिया एंड म्यांमार, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये इंडियन रीजन में आते हैं। वहीं ईस्ट एशिया की बात करें हम तो जापान और माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, ये हॉटस्पॉट हैं ईस्ट एशिया के। वेस्ट एशिया के हॉटस्पॉट हैं कॉकेकस, इरानो एनाटोलियन, और साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया पैसिफिक के हॉटस्पॉट हैं ईस्ट मलेनेशियन आइलैंड्स, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन टेम्परेट फॉरेस्ट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सुंडालैंड एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया का हॉटस्पॉट है। देन वेलेशिया, ये सारे आपके साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक के हॉटस्पॉट एरियाज हैं। और सेंट्रल एशिया में आपका हॉटस्पॉट पड़ा माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये सारे जो हम हॉटस्पॉट डेवलप करते हैं ये रीजन वाइज करते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री को फॉलो नहीं करते हैं कभी भी हॉटस्पॉट। तो इसलिए ये जैसे इंडिया के हॉटस्पॉट हैं तो साउथ एशिया और आपके एशिया पैसिफिक वाले रीजन में पड़ रहे हैं। तो एक हो गया सुंडालैंड निकोबार आइलैंड इंडिया, और तीन हो गए ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, इंडिया म्यांमार एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला रीजन। तो इंडिया में टोटल जो हॉटस्पॉट पाए जा रहे हैं वो है चार। तो बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे पहला हॉटस्पॉट है हिमालय, जो कि कवर करता है इंडियन हिमालयन रीजन, जिसमें कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार के हिमालयन क्षेत्र भी आते हैं। वहीं इंडो बर्मा वाला एरिया की बात करें हम तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को इंक्लूड करता है पूरा का पूरा, लेकिन असम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को छोड़ दें तो उसके अलावा पूरा एरिया इंडो बर्मा में आता है, और साथ साथ में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, साउथ चाइना इसमें आता है। सुंडालैंड की बात करें तो ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कवर करता है, और साथ साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस वाला एरिया भी इसमें आता है। वहीं चौथा हॉटस्पॉट जो इंडिया का है वो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन रीजन। तो वेस्टर्न घाट वाले में ये पूरा कवर करता है वेस्टर्न घाट और साथ साथ में श्रीलंका वाले एरिया को भी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हिमालयन एरिया की बात करें इंडिया का, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। स्पेसिफिकली वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन सागरमाथा, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ, झरने, ये भी यहाँ पाए जाते हैं, और ये टोटल एरिया कवर करता है 750,000 किलोमीटर स्क्वायर का। और इस एरिया को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला ईस्टर्न हिमालय जिसमें कि नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, और वहीं साउथ ईस्ट तिब्बत वाला क्षेत्र और नदन म्यांमार वाला क्षेत्र भी इसमें आता है। वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो ये कवर करता है कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट कश्मीर और नदन पाकिस्तान वाला एरिया भी इसमें आता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कभी भी फॉलो नहीं करते हैं किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्री को। हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो ये 500 मीटर से लेके 8000 मीटर तक की रेंज के पाए जाते हैं यहाँ पे माउंटेन्स, और यहाँ पे डाइवर्स इकोसिस्टम जो है वो देखा जाता है। प्लांट्स यहाँ पे एलुवियल ग्रासलैंड्स के फॉर्म में या फिर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के फॉर्म में, मिक्स्ड कॉनिफर्स के फॉर्म में या फिर अल्पाइन मीडोज की फॉर्म में पाए जाते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट फौनास की बात करें तो स्नो लेपर्ड, अंशिया अंशिया एंड रेड पेंडाज, एल्यूरस फल्जेंस, ये इंपॉर्टेंट फौनास हैं इस एरिया के। तो यहाँ पे मैप में हम देखें तो जो रेड कलर का एरिया है ये टोटल कवर कर रहा है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को, और साथ में ये टेबल जो है ये मेंशन कर रही है कि कितनी स्पीसीज की डाइवर्सिटी और कितने एंडेमिक स्पीसीज जो है इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है।